बिना किसी तमहीदो तारीफ के मैं दावत सुगन देने जा रहा हूँ जनाब हजरत मौलाना आफ्ताब साहब नदवी से। वो जायज पर तशरीफ लाए और अपने खिताबत से हम सामईन को महजूज फरमाए। हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ है कि कुरान पाक की तफसीर सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। कि कुरान पाक की तफसीर सुनिए, रसूल पाक की तौकीर सुनिए, कुछ सुनिए या ना सुनिए, जनाब हजरत मौलाना आफ्ताब साहब की तकरीर सुनिए। अरे कुछ सुनिए या ना सुनिए, जनाब हजरत मौलाना आफ्ताब साहब की तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है, रात काफ़ी होती चली है और अभी बहुत से उलमाए किराम की तकरीरें उनके खिताबात होने बाकी हैं, इसलिए वक्त का ख्याल करते हुए मैं चंद मिनट आपसे मुखातब हूँ। मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामो नर्म नाजुक बेअसर। मैंने कुरान अजीम की चंद आयतें तिलावत की है और उस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने हमको जिंदगी का मकसद समझाया है। जिंदगी ये जो हमको दी गई है, ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये पूरा निज़ाम, ये पूरा सिस्टम जो अपनी नज़रों से हम देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम सबको अल्लाह तबारक व ताला ने यूं ही पैदा किया? तुम्हारा ये ख्याल है, तुम्हारा ये गुमान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को, इस इंसान को, इस कायनात को यूं ही पैदा किया है और ये तुम्हारा गुमान है कि तुमको पलटकर हमारे पास नहीं आना? ये ख्याल सरासर तुम्हारा बातिल है और ये जिंदगी एक मकसद के तहत है। इस जिंदगी का एक एम है, इस जिंदगी का एक एम्बिशन है, इस जिंदगी का जो सिस्टम चल रहा है, ये दुनिया जो चल रही है,
इसके अंदर इंसान को जो लाया गया है उसके पीछे अल्लाह की बड़ी हिकमत है। इस निज़ाम को बनाने में अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह ने इस निज़ाम को मकसद के तहत पैदा किया है और वो मकसद है वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि वो मुझे पहचान ले। लियाबुदून का बहुत से मुफस्सरीन ने तर्जमा किया ऐ लियारिफून, यानी वो मेरी इबादत करें, मतलब मुझे पहचान ले। इंसान के अंदर ये ख्याल आए जब आसमान में वो नज़र उठाए तो आसमान की बुलंदी और आसमान के सितारों और कहकशाओं को देखकर पुकार उठे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये तय हो गया कि हम जानवरों की तरह इस दुनिया में पैदा नहीं किए गए हैं, जब ये तय हो गया कि इस कायनात के अंदर और मखलूक की तरह हमारी हैसियत नहीं है, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि तुम्हारी ज़िंदगी उसी वक्त कारगर है, मकसद के तहत तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब उसी वक्त हो सकती है जब तुम्हारे ज़िंदगी का सारा महवर, तुम्हारे ज़िंदगी का सारा मतबहन नज़र, तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक एम, तुम्हारी ज़िंदगी का हर एम्बिशन, तुम्हारी ज़िंदगी की जो सांस लेते हो, ये सब के सब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ताबे हो जाए। अगर इंसान पूरी दुनिया के अंदर घूमता फिरता है, बहुत से काम करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ है, तो याद रखिए उसकी ज़िंदगी ये बेकार है, उसकी ज़िंदगी ये रायगा है। फिर एक ईमान वाले में और एक गैर ईमान वाले में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन वालिदि ववलदिहि वन्नास यजमईन। तुम में से पक्का ईमान वाला, सच्चा ईमान वाला, पुख्ता ईमान वाला, मजबूत ईमान वाला उस वक्त तक हो नहीं सकता है जब तक पैगंबर की बात, पैगंबर की ज़ात, पैगंबर के अहले बैत, पैगंबर के नवासे, पैगंबर के अज़वाज मुतहरात, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर के सहाबा की ज़िंदगी जीने वाले उलमाए किराम के ज़िंदगी के मुताबिक और उनके तरीक़े के मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी न बन जाए। मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और ये माह मुहर्रम है, इसकी बेशुमार फजीलतें हैं, तो याद रखिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक मकसद के तहत दुनिया के अंदर भेजा है। उस मकसद को कैसे जिए, अल्लाह तबारक व ताला अपने पैगंबर की जुबानी फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ऐ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो, मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, तो मेरी पैरवी करो। मैं कैसे खाता हूँ पैरवी करो, मैं कैसे चलता हूँ मेरी पैरवी करो, मैं कैसे बोलता हूँ मेरी पैरवी करो, मैं बाल बच्चों के साथ कैसे रहता हूँ उसमें पैरवी करो, मैं कैसे पहनता हूँ उसकी पैरवी करो, मैं कैसे आता जाता हूँ उसकी पैरवी करो, मेरा पड़ोस के साथ क्या सलूक है उसकी पैरवी करो, मेरे सहाबा के साथ क्या ज़िंदगी का हमारा निज़ाम चल रहा है उसकी पैरवी करो। अगर ऐसी पैरवी करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला भी तुम्हें महबूब बना लेगा, दुनिया में भी इज्जत देगा, मरने के बाद भी इज्जत देगा, और रसूल की मोहब्बत के बदले में तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा बख्शने वाला है। मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर नबी के सुन्नत के खिलाफ जाएंगे तो याद रखिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। जो कुछ भी तुम्हें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं उसको पकड़ लो, उसको ले लो, और रसूल जिससे मना करे उससे अलग हो जाओ। याद रखिए इतनी वाज़ह आयतों के बाद, इतनी साफ सुथरी अल्लाह के नबी की हदीस के बाद भी, और दिन रात हमारी कानों में यह आवाज़ गूंजती है कि पैगंबर की सुन्नत को अपनाया जाए, सहाबा की सीरत को अपनाया जाए, ताबेईन की सीरत को अपनाया जाए, तबे ताबेईन की सीरत को अपनाया जाए, उसके बावजूद हम सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं चंद हदीसें बयान करूँगा जिसके तहत ये माह मुहर्रम है, इसकी कितनी फजीलतें हैं और हम इस महीने के अंदर कितने खुराफात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मन तशब्बह बिकौम फहुव मिनहुम। इमाम दाऊद ने अपनी सुनन में इस हदीस को जिक्र किया और अल्लामा अल्बानी ने इस हदीस की तसहीह फरमाई है, सही कहा कि यह हदीस ठीक ठाक है, दुरुस्त है। किसी को यह उज्र तलाश करने की जरूरत नहीं है कि हदीस ज़ईफ़ है, अमल नहीं हो सकता। जो आदमी जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा, पैरवी करेगा, इत्तबा करेगा, जिसके चाल चलन को अपनाएगा, कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। इमाम मुनावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के मुहद्दिस व फ़कीह है, इन्होंने सही उल जामे में इसकी तशरीह करते हुए फरमाया है कि जो आदमी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाएगा, सहाबा के तरीक़े को अपनाएगा, खाने पीने के अतबार से, चलने फिरने के अतबार से, बोल चाल के अतबार से, रहन सहन के अतबार से, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक के अतबार से, और इसी के साथ साथ जो आदमी अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े को अपनाएगा, फी मलबसी ही व ताम ही व शराब ही, और इसी तरह से उसकी ज़िंदगी में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा दे दिया है उसको अपनाएगा, कल क़यामत के दिन उसका उसी के साथ हश्र होगा। यानी जो सहाबा की सुन्नत पर चलेगा, सहाबा की सुन्नत पर चलेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसका हश्र और उसका हिसाब किताब, उसका जो ये ज़िंदगी ने जो कारगुजारी पेश की है, वो सहाबा कराम के साथ उसका निज़ाम चलेगा, और जो उसके खिलाफ चलेगा, जो हश्र के मैदान में उसका हश्र उसी के साथ किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी किसी अबू जहल के तरीक़े पर चलेगा, अबू लहब के तरीक़े पर चलेगा, इबलिस लाइन के तरीक़े पर चलेगा, दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो हीरो हीरोइन हैं उनके नक्शे कदम पर चलेगा, और दुनिया के कुफार और मुशरिकीन के नक्शे कदम पर चलेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ करेगा। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, हज़रत हसन हुसैन है, इनके ताल्लुक़ से बहुत तकरीरें होती हैं और हम सुनते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहा फहिब्बहुमा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फहिब्बहुमा वा अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। रवाहु तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को नकल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इस अपने दोनों नवासे हज़रत हसन हज़रत हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो उससे मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत कर। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने यह सर्टिफिकेट दे दिया हमें, जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा, जो हसन से मोहब्बत रखेगा, जो उनकी इज्जत करेगा, जो उनकी तौकीर करेगा, जो उनके रास्ते पर चलेगा, जो उनके चलन को अपनाएगा, जो उनके रहन सहन को अपनाएगा, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उस आदमी का हश्र भी हज़रत हसन हुसैन के साथ करेगा। ये ज़िंदगी का निज़ाम है। जो आदमी शैतान के रास्ते पर चलेगा, कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। इस हदीस से साफ वाज़ेह होता है, आप गौर फरमाइए, क्या हज़रत हसन हुसैन के बाद इमाम अबू हनीफा की ज़िंदगी आई है या नहीं आई है, इमाम शाफी का दौर आया है या नहीं आया है, इमाम मालिक का दौर आया है या नहीं आया है, इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं, इमाम बुखारी तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं, इमाम मुस्लिम तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं, इमाम तिर्मिज़ी तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं, इमाम अबू दाऊद तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं, इमाम नसई तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं, इमाम इब्ने माजा तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं, इमाम इब्ने हिब्बान तशरीफ़ लाए हैं नहीं लाए हैं, इमाम खुज़ैमा तशरीफ़ लाए हैं नहीं लाए हैं, इमाम बैहक़ी तशरीफ़ लाए हैं नहीं लाए हैं, इमाम हाकिम तशरीफ़ लाए दुनिया में नहीं लाए हैं। आप पूरी इस्लाम की तारीख को खंगाल कर बताइए, किसी एक सहाबी ने हज़रत हसन के बाद जो उनकी ज़िंदगी में थे, किसी एक बड़े इमाम ने, किसी एक बड़े फ़कीह ने, किसी बाद के मुताखिर उलमा जो कहलाते हैं उनमें से, हज़रत कासिम नानौतवी के बारे में ले लीजिए, इमाम हुसैन मदनी के बारे में ले लीजिए, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी शारह बुखारी के बारे में ले लीजिए, क्या इन तमाम लोगों ने कभी ढोल ताशे बजाए हैं, ताजियादारी की है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आप याद रखिए, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत में, उनकी तरफदारी करने में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उनके मोहब्बत में उस वक्त के खलीफे ने उनको कोड़े बरसवा दिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन ये बिदअत का काम नहीं किया। अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه, बेशक अल्लाह तबारक व ताला बिदअती की नजर से छुपा देता है तौबा को, बिदअती से तौबा की तौफीक छीन लेता है। इसकी वजह यह है कि इंसान बुराई को बुराई समझ कर करता है तो उससे एक न एक दिन बचने की कोशिश करता है। जब इंसान बुराई को बुराई नहीं समझता तो आदमी उस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी गोबर को हलवा समझ ले, वो आदमी कभी तौबा नहीं कर सकता उससे खाने से। लेकिन जो आदमी गलती से गोबर को गोबर समझता है तो याद रखिए उस आदमी उस गंदगी के पास जाने के लिए 100 बार सोचेगा कि ये गंदी चीज है, ये ढोल तमाशे, ये ताजियादारी, ये शियों की ईजाद है, ये खवारिज की ईजाद है, ये राफजियों की ईजाद है, इससे बचना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी बिदाती होगा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ फिरौन और हामान के साथ उसका हशर करेगा। इसलिए कि बिदाती ने इस अल्लाह के नबी के दीन को, अल्लाह के रसूल के दीन को मसक कर दिया है, उनको मसल कर रख दिया है, अल्लाह के दीन को तबाह किया है, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया है, अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बचिए, ये माह मुहर्रम इतनी फजीलत वाला दिन है कि अल्लाह तबारक व ताला इस महीने की फजीलत रोज़े आफरीनश से, जब से इस दुनिया का क़याम हुआ है, जब से ये निज़ाम शमसी और कमरी, ये चार सूरत का निज़ाम चला है, उस वक्त से अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने की फजीलत रखी है। और वक्त कम है, नहीं तो इस पर तफसील मैं करता, मैं चंद बातें और अर्ज करूंगा। इस महीने की फजीलत में से बाज़ उलमा ने एक हदीस लिखी है जिसको इमाम बयहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शुआबुल ईमान में नकल किया है कि इस महीने की फजीलत है कि इसमें रोज़ा रखा जाए। और रोज़ा रखने का तरीका यह है कि 9-10 को रखा जाए या 10-11 को रखा जाए। बाज़ फुकहा ने लिखा है किसी के पास गुंजाइश है तो तीनों रोज़े रखें, 9-10-11 भी रखें। बाज़ हदीसें इस तरह की भी है कि एक भी रखे वो भी गुंजाइश की बात है। और इस दिन की फजीलत, यौम आशूरा की फजीलत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि इन अय्याम में रोज़े रखे जाए। इसके अलावा जितने भी काम किए जाते हैं वो सब शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के मंशा के खिलाफ है, नबी के शरीयत के खिलाफ है, नबी के मंशा के खिलाफ है। एक भी सहाबी से ये साबित नहीं है कि किसी सहाबी ने इस महीने में इसके अलावा अमल किया हो रोज़ा रखने के अलावा। हर महीने की फजीलत है, इसी तरह इस महीने की भी एक फजीलत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अलबत्ता इस महीने की एक और फजीलत बयान की जाती है जिसको इमाम वक्त के बयहकी ने नकल किया है और कहा है मन वस्सा यौम आशूम अला अहलिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अला अलैहि साइर साइर सनत और अला साइर सनत के अल्फाज भी आए हैं कि जो आदमी आशूरा के दिन इसके अंदर खान पान के अंदर और इसी तरह कपड़े वगैरह के अंदर या दीगर और चीज़ों के अंदर अगर कुछ चेंजिंग कर लेता है, अच्छे से अच्छा खा लेता है, बच्चों को खिला देता है तो साल भर उस पर रिस्क के दरवाजे में तौसी कर दी जाती है। यानी इसको रोज़ी साल भर घटती नहीं, उसकी रोज़ी में बरकत रख दी जाती है। इसको इमाम सुफियान ने कहा है और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने इसको आज़मा करके देखा है कि इन दिनों के अंदर अगर खर्च किया जाए, अच्छे खाने पकाकर बच्चों को खिलाए जाएं, इसी तरह से इस दिन अपने अहलोयाल पे खर्च किया जाए, इसी तरह अपने पड़ोस को खाना बनाकर भेज दिया जाए, इतनी गुंजाइश रखी गई है। बाज़ लोगों ने, बाज़ मुहद्दिसीन ने एतराज़ किया है कि हदीस में ज़ौफ है, लेकिन इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी जो बुखारी शरीफ के शारे हैं, बुखारी शरीफ की शरह लिखी है मान शरह, उनके उस्ताद मोहतरम अल्लामा हाफिज इराकी ने कहा है कि इसकी सनद ठीक ठाक है। अगर कोई मुसलमान उस दिन इतनी फजीलत हासिल करने के लिए अच्छा खा लेता, अच्छा पहन लेता है तो शरीयत में इसकी गुंजाइश है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की भी यही राय है कि यह हदीस पर अमल की गुंजाइश है। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अज़कार में लिखते हैं कि ज़ईफ़ हदीस भी हो तब भी अमल की गुंजाइश है, इसलिए कि तमाम उलमा के नज़दीक बिल इत्तेफाक
ज़ईफ हदीस पर अमल की गुंजाइश है जब तक वो हदीस में किसी तरह का ऐसा फतूर ऐसी कमी ना आ जाए जो हदीस पर जो है आँच आ जाए। तो मेरा मोहतरम बुजुर्गो और दोस्तों, ये दिन फजीलत के हैं, रोजे रखे जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे दोनों नवासी की कुर्बानियों को याद किया जाए। क्या हजरत हसन हुसैन ने कुर्बानियां इसीलिए पेश की थी कि हम ढोल बजाएं, ताशे बजाएं, नाच करें, डंडा निकाल कर दूसरों के सर फाड़ें, किसी के घर को लूट लें, आतिशबाजी करें, पटाखा उड़ाएं? हरगिज नहीं। जिस किसी मुसलमान का ये सेवा नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी इसको जायज समझ कर करता है तो इस शरीयत की निगाह में वो मुजरिम ही नहीं है, वो कुफर का इर्तिकाब करने वाला है, वो काफिरों वाला अमल कर रहा है। बाज़ उलमा ने लिखा है अगर हलाल समझ कर करता है तो इस्लाम के दायरे से खारिज है। याद रखिए, ये कोई तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन। ए इंसानों, तुम्हें इस धरती पर, इस आकाश के नीचे और इस जमीन पर तुम्हें इसलिए बसाया गया है, तुम्हें इसलिए लाया गया है ताकि अल्लाह के निजाम को, अल्लाह के सिस्टम को इस धरती पर लागू करो, इस जमीन पर अल्लाह के निजाम को कायम करो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत पैदा की गई थी, तुम्हें निकाला गया था, तुम्हें बर्पा किया गया था कि तुम अच्छाई का हुक्म करो, बुराई से रोको। अल्लाह का यह निजाम तुम्हें दिया गया था। याद रखिए, अगर ईमान पर चलेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में इज्जत देगा और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह मौका देगा। अगर इसके खिलाफ करेंगे तो याद रखिए अबू जहल वाली जिंदगी देगा, अबू लहब वाली जिंदगी देगा और इसी तरह कमीनों और फहाशों और उरिया लोगों वाली जिंदगी देगा और आप खुश रहेंगे कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि एक न एक दिन तुमको हमारे पास लौट कर आना है और उसके बाद तुम्हें हम बता देंगे तुमने क्या किया था और दुनिया के अंदर तुमने क्या तमाशा किया था, मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ा था और गैरों को देख देख कर अपना हुलिया चेंज कर लिया था, अपने जिंदगी का निज़ाम बदल लिया था, अपने जिंदगी के सिस्टम को तबाह कर लिया था। तूने सहाबा की जिंदगी को छोड़ा था जिसके बारे में मैंने कहा था अलैकुम बिसुन्नति वसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अज़ु अलैहा बिन्नवाजिस। क्या प्यारा निजाम दिया था अल्लाह के नबी ने। हमने कितना निजाम को अपनी जिंदगी के बिगाड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान ये वसीयत करके जा रहा हूँ, तुम्हें हुक्म करके जा रहा हूँ कि मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना और मेरी सुन्नत में कुछ बात समझ में ना आने लगे तो याद रखो मैं तुम्हारे लिए सहाबा जैसा इंसान छोड़ कर जा रहा हूँ, उनकी सुन्नत को समझ लेना और अपने दांतों में जो मुंह में दांत हैं दाढ़ से मजबूती से पकड़ लेना। और याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक तुम फी कुमुल सकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती। बाज़ रिवायत में आता है किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और मैं अपनी सुन्नत, एक रिवायत में है मैं अपने अहले बैत को छोड़ कर के जा रहा हूँ। तुम्हें ज़िंदगी गुजारना है तो मेरे अहले बैत को देख लेना, मेरी आयशा को देख लेना, मेरी हफ्सा को देख लेना, मेरी फातिमा की ज़िंदगी देख लेना, अली की ज़िंदगी देख लेना, हसन की ज़िंदगी देख लेना, हुसैन की सीरत को पढ़ कर देख लेना उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तुम भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारना और याद रखो तुम्हारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से मेल खा जाएगी तो कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती है, कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सहाबा की ज़िंदगी का नमूना है। किसी एक इमाम ने इस ताज़िया के बारे में लबकुशाई नहीं किया। इमाम शाफी ने कहा इसकी कोई हकीकत नहीं, इमाम अबू हनीफा से ये साबित नहीं, इमाम मालिक से ये बात साबित नहीं जो करीब के दौर के हैं। इन चारों इमाम में तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह एकदम करीब के हैं, इनकी पैदाइश जो है 87 में है, इनकी जो है इनकी विलादत 87 में है, इनकी वफात 150 में है।
और सहाबाए किराम की जिंदगी सन 93 तक जाए, उसके बाद तक बास रिवायत में आता है 103 तक सहाबाए किराम की जिंदगी है। अब बताइए जिस इमाम ने सहाबा की जिंदगी में अपनी आंखें खोली हो, वो सहाबी ने इस चीज़ को नहीं देखा, हमने कहाँ से पाया, हमने इस चीज़ को कहाँ से कबूल कर लिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इससे तौबा करिए, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाइए, सहाबा वाली ज़िंदगी लाइए, ताबईन वाली ज़िंदगी लाइए, बुज़ुर्गों वाली ज़िंदगी लाइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाली ज़िंदगी लाइए, और इसी तरह जो है ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी वाली ज़िंदगी लाइए, जुनेद बगदादी की ज़िंदगी लाइए, तब हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। अगर हमारी ज़िंदगी शैतान वाली रहेगी तो दुनिया भी हमारे नुकसान वाले हैं और आखिरत में भी हम नुकसान उठाएंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।